सियासी रण छिड़ा हुआ है और सियासी रण किस बात को लेकर है वो सब जानते हैं, क्योंकि रुद्रपुर में सियासी रण इसलिए छिड़ा है क्योंकि राजकुमार ठुकराल का टिकट काट दिया गया है। लेकिन राजकुमार ठुकराल अब क्या करेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सीधा रुख करेंगे रुद्रपुर, जहां पर इस वक्त सियासी रण छिड़ा हुआ है और जहां मेरे साथ रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। राजकुमार ठुकराल आज लाइव रहेंगे हमारे साथ इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि शिव अरोड़ा का टिकट फाइनल हुआ है। बीजेपी में ये आशंका जताई जा रही थी कि राजकुमार ठुकराल का टिकट होगा या नहीं होगा, और शिव अरोड़ा का टिकट जो है दे दिया गया बीजेपी की तरफ से। लेकिन राजकुमार ठुकराल का रुख क्या रहेगा, सीधा रुख करेंगे। इस वक्त राजकुमार ठुकराल मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ठुकराल जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका। ठुकराल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? ठुकराल जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए वो। हाँ आप अपनी बात रखिए ठुकराल जी। हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी ठुकराल जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। ठुकराल जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है। ठुकराल जी आपका टिकट काट दिया गया, अब आपका क्या स्टैंड है? देखो भारतीय जनता पार्टी पहले भी कहता था आज भी कह रहा हूं, मेरी राजनीतिक जननी है। लेकिन कुछ लोगों ने छल प्रपंच करके पार्टी में ऊपर के अधिकारियों को गुमराह करके विश्वमन का कार्य करके मेरा टिकट जो कटवाया है, उन लोगों के खिलाफ मेरा ऐलान संघर्ष है। मैं हिंदू एजेंडे पर निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। आप निर्दलीय मतलब राजकुमार ठुकराल निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? आप तो कहते हैं पार्टी मेरी मां 100%। मैं तो कह रहा हूं पार्टी मेरी मां, जीतने के बाद फिर पार्टी के साथ। अरे कई एक परिवार में चार बेटे होते हैं, मेरी बात सुन लीजिए ना। एक परिवार में चार बेटे होते हैं, एक बेटा परिवार से अलग हो जाता है, वो रहती तो उसकी माँ है। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी आज भी हमारी माँ है, मैंने पहला सेंटेंस बोला है। लेकिन ठुकराल जी किसने गुमराह कर दिया, आपके खिलाफ कौन गुमराह करेगा? आप दो दो बार, अरे हमारा जिला अध्यक्ष, आपने एक हमारा एक लंबी लड़ाई लड़ी है बीजेपी के पक्ष में वहां पर, किसने गुमराह? लेकिन मेरी लड़ाई की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे। मैं जितने चुनाव लड़ाऊ उसके बाद सारे चुनाव बीजेपी को जितवाए हम लोगों ने, लेकिन मेरी वैल्यू नहीं समझ पा रहे। कोई बात नहीं, आज मेरे पास गरीबी है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कमजोर हूँ, मैं कोई भी गंदा हराम का पैसा नहीं कमाता हूँ। मेरे पास कोई पेट्रोल पंप होटल मॉल फैक्ट्री कारखाना मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन ठुकराल जी मैंने देखा आपको, इतनी लंबी राजनीतिक लड़ाई भी लड़ी आपने, आपने हर बार पार्टी को जितवाने का काम किया, विधायक हो या सांसद हो आपके क्षेत्र से सबसे ज्यादा वोट पड़ते थे, तो फिर आपके साथ ऐसा क्या, ऐसा क्यों ऐसा हुआ आपके साथ? बस छल, ये हमारा संगठन गुमराह हो गया, वो तो छल प्रपंची है, बेईमान पार्टी का जिला अध्यक्ष, उसने मेरे पूरे संगठन को गुमराह किया और उसका खामियाजा इनको अवश्य भुगतना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताइए ईमानदारी से, दिल पर हाथ रख के, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से आपको जानता हूं ठुकराल जी। जी किस, क्या वाकई टिकट बेचा गया? नहीं ये तो मैं प्रमाण सहित तब बोलूंगा, और मुझे मालूम सब है किस आदमी के पास पैसा इकट्ठा हुआ। जो व्यक्ति तिलकराज भेड़कर राइट हैंड है कांग्रेस के नेता का, मेरा टिकट काटने के लिए उसका प्रयोग किया गया, और जिस व्यक्ति ने पैसे कहां पहुंचाए सब मुझे मालूम है। मैं तथ्यों सहित प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा बताऊंगा। आप खाली आरोप लगा रहे हैं ठुकराल जी, अब हाँ तभी तो कह रहा हूं, जब मेरा आरोप नहीं, अभी मैं खाली वार्ता कर रहा हूं, आरोप मैं तब लगाऊंगा जब मेरे पास सारे प्रमाण आ जाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि टिकट बेचा और खरीदा गया? बिल्कुल 100% मैं प्रमाण सहित बोलूंगा। लेकिन बेहड़ जी तो किच्छा चले गए, कौन टिकट खरीदेगा बेचेगा? ऐसा ना, मुझे डाउन करने के लिए ये सब एक हो गए, ये अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गए, लेकिन जनता का नहीं पता जनता का रुख क्या है, जनता रुद्रपुर में क्या करने वाली है ये आने वाला समय बताएगा। ये लेकिन शिव अरोड़ा को टिकट दिया गया, कुछ तो आधार होगा शिव अरोड़ा का आधार बटरिंग करना, चापलूसी करना, मेरे खिलाफ कंप्लेन करना, ऑडियो वायरल करना, ऑडियो में कूट रचना करके किसी दूसरे की आवाज से मेरी आवाज को मिलाते हुए ये कूट रचना करने में, वो छल कपट करने में माहिर है, तो और वो संगठन को गुमराह। वो जो ऑडियो था क्या वाकई वो सच था या झूठ?
अरे भाई मैंने जेपी नड्डा साहब को लेटर लिखा कि इसकी जांच करवा लो, मैंने रुद्रपुर कोतवाली में एफआईआर लिखाई कि इनके खिलाफ मुकदमा कायम करके इनको बेनकाब करो, मैंने तो ईमानदारी से अपना काम किया। और चावला जी मैंने 3 दिन पहले जो नामांकन पत्र मंगाया वो बीजेपी प्रत्याशी की हैसियत से मंगाया। मैं ठुकराल जी देखिए आप, मैं रुद्रपुर भी आया था तब भी आपने कहा था कि पार्टी इस बार यकीनन मुझे ही टिकट देगी और मैंने विकास कार्य किए हैं। अब कल को ऐसा ना हो ना कि ठुकराल जी कहें कि भैया ठीक है पार्टी ने बोला मैं बैठ गया। ठुकराल जी लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, मर्दों की तरह लड़ेंगे। पार्टी के किसी नेता ने आपसे बातचीत की? कॉन्टेक्ट किया लेकिन मैं उनका मान मर्दन नहीं करूंगा। हाँ मोबाइल पर कॉन्टेक्ट किया उन्होंने। अजय भट्ट जी से भी बात हुई आपकी? नहीं, वो आज रुद्रपुर में आने वाले हैं, लेकिन जो भी नेता आएगा किसी का भी मोबाइल पे फोन होगा मैं उनको संतोषजनक उत्तर अवश्य दूंगा। लेकिन क्या वाकई मैं पूछूंगा मेरा टिकट क्यों काटा गया? अजय भट्ट जी ने टिकट कटवाया आपका? मैं ये तो पूछने का हकदार हूँ कि मेरा टिकट क्यों काटा गया? मैंने कोई बेईमानी की है? मैंने किसी आदमी से पैसा लिया तो मुझे मौत आनी चाहिए। ठुकराल जी रुद्रपुर में टिकट आपका कटा, अजय भट्ट जी ने टिकट कटवाया आपका? मैं कभी आज तक नहीं कही मैंने बात, मैं क्यों एलिगेशन लगा उनके ऊपर? तो ये वीडियो वीडियो वायरल, आप ये कह रहे हैं कि वीडियो वायरल किया जिस वजह से ये आपका टिकट काटा? ऑडियो 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 सॉरी, ये ऑडियो वायरल किया गया ना जिसका ऑडियो, इस ऑडियो के आधार पर मेरा टिकट काटा गया। इस ऑडियो के आधार पर मेरा पक्ष कम से कम सुन लेते, मेरा पक्ष नहीं सुना ना, फांसी के मुजरिम की भी सुनी जाती है। तो बिना आपका फांसी के मुजरिम से भी उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। आपने पिछले 4-5 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी आपसे, आपने कहा था कि रुद्रपुर के लिए मैंने वो करके दिखाया जो अब तक किसी विधायक ने नहीं किया, आज आपका टिकट काट दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये तो पार्टी की सोच है ना, पार्टी गुमराह हो गई, एक छल प्रपंची गुमराह करने में कामयाब हो गया, फर्जी तरीके से कूट रचना करके उसने ऐसा कुछ पेश कर दिया जिससे मेरा टिकट काटा गया। लेकिन मैं आजाद तो लड़ सकता हूँ ना, निर्दलीय में लड़ूंगा। आपको ठेस पहुंच रही है ठुकराल जी, दुख तो होगा ना जिस पार्टी को आपने मेरे दिल तक अंदर तक, मैं मेरा परिवार रो रहा है, मेरे हजारों समर्थक रो रहे हैं, मेरी माँ मेरे बच्चे मेरा परिवार सब रो रहा है इस समय। तो मैं बताऊं मुझे क्या करना चाहिए? आप भी भावुक हो। ये कलंक का टीका अपने माथे से हटाऊंगा, ये कलंक का टीका अपने माथे से हटाऊंगा। बीजेपी राजनीतिक माँ है, माँ की गोदी में रहूंगा। नहीं आप कैसे ये हटेगा ना, चुनाव में जीत के हटेगा। तो मतलब ये कलंक जब चुनाव में जीत जाऊंगा तो स्वतः हट जाएगा 100%। मैंने मैंने जो राजकुमार ठुकराल को देखा है फाइटर के रूप में देखा है, फाइटर फाइटर राजकुमार ठुकराल, राजकुमार ठुकराल वही फाइटर है। फाइटर हूँ, फाइट करूंगा, फाइटर हूँ, बिल्कुल शेरों की तरह फाइट करूंगा। यस आप रुद्रपुर मतलब पक्का निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? पक्का हिंदू एजेंडे पर निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। हिंदू एजेंडे पर बीजेपी हार गई तो? यस। जिसको आप बीजेपी हारेगी तो मुझे इससे मतलब नहीं है, जिन्होंने टिकट दिया वो जाने। कितने में बिका टिकट? उत्तराखंड राज्य के अंदर एक ही सीट थी, उत्तराखंड राज्य में एक ही सीट थी जो 50,000 वोट से हम जीत सकते थे, लेकिन कीड़े डाल दिए पूरे जनपद उधम सिंह नगर की 9 सीटों में, जिस जिला अध्यक्ष ने डाल दिया कीड़े उसको टिकट दे दिया। किसी पार्टी किसी की चिंता नहीं की उसने आज तक। ठुकराल जी जो आपके साथ खड़े रहे, जो मंत्री तक बन गए, उन्होंने आपके लिए सिफारिश नहीं की? अब मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मुझे अपना काम देखना है। मैं चुनाव लड़ूंगा, चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक माता की गोदी में चला जाऊंगा। आपने भी तो उनके लिए लड़ाई लड़ी ना, उनके क्षेत्र में जाके उनके लिए लड़ाई लड़ी, उनको मंत्री तक बनवाया, तो आपके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया? जी किया ना, मैं अभी से कैसे कह दूं, मैं कोई विश्वमन का कार्य नहीं करूंगा, मैं किसी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन उस छल प्रपंची को मैं छोड़ूंगा नहीं। कौन है छल, किसने किया छल? वही जिलाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष। तो कैसे जिलाध्यक्ष के खिलाफ क्या करेंगे आप? अरे चुनाव लड़ूंगा ना, पब्लिक के बीच में जाऊंगा, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ूंगा मैं। आपसे पैसे की डिमांड की गई थी क्या, जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने पैसे देकर टिकट खरीद लिया? अभी नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, सब बताऊंगा चुनाव में बताऊंगा, 1 तारीख से जनसभाएं।
लेकिन ठुकराल जी देखिए, आपने हर बार मेरे से दिल खोल के बात की, आप बताइए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइव हैं। सो नहीं नहीं अभी नहीं बताऊंगा, एक तारीख के बाद अपनी नुक्कड़ सभाओं में बताऊंगा, मैं प्रमाण के बताऊंगा। प्रमाण के साथ बताएंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, अगर पार्टी के नेताओं ने बना लिया तो कि ठुकराल जी बैठ जाओ, आ जाए कोई भी आ जाए, मेरे से बात करे, टॉक करे, मुझे मेरा टिकट क्यों काटा है? अब भी समय रहता है, टिकट चेंज कर ले, अन्यथा और भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे, कई लोग हारेंगे इसमें। इस वक्त आपको रुद्रपुर की जनता लाइव सुन रही है, क्या कहना चाहेंगे रुद्रपुर की जनता को, सुन रही है इस वक्त आपको? रुद्रपुर की जनता ने बहुत प्यार दिया है, कल रात से लेके आज सुबह हजारों लोग मेरे निवास पर आ गए, इस समय भी आप देख लीजिए कितनी संख्या यहाँ पर मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे रुद्रपुर की जनता को आप? रुद्रपुर की जनता के चरणों में हमेशा नतमस्तक रहा हूँ, हर व्यक्ति का काम करता हूँ, डेली जनता दरबार लगाने वाला पहला विधायक हूँ, हर पब्लिक की बात सुनता हूँ, आगे भी सुनूंगा, और जनता का निर्णय शिरोधार्य है, जनता ने मुझे आदेश दिया कि आपको चुनाव लड़ना है। बीजेपी को, बीजेपी नेताओं को क्या संदेश देंगे इस मंच से? बीजेपी नेताओं ने बिना सुने मेरा पक्ष बहुत बड़ी गलती कर दी है, एक विकृत मानसिकता के व्यक्ति को टिकट दिया है, जो व्यक्ति छल प्रपंची है, जिसका मन दिल पूरा काला है, और ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर भाजपा ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। तिलकराज बेहड़ सुन रहे हैं आपको, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरी बेहड़ से अब कोई शत्रुता नहीं है, बेहड़ चले गए किच्छा, मैं तो रुद्रपुर से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन आपने कहा ना उन्हीं के करीबी को टिकट दे दिया जो उनका करीबी था। नहीं नहीं, वो सब मैं खुलासा करूंगा ना, अभी तो मेरे को मैसेज आए, अभी मेरे पास प्रमाण आएंगे तब बोलूंगा डट के। नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं, कोई आधार तो होगा ना कि टिकट बेचा गया, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़? आधार बताऊंगा एक तारीख के बाद, एक तारीख के बाद बताऊंगा। टिकट बेचा गया मतलब? बिल्कुल, हंड आपके चैनल को बताऊंगा। हाँ जी हाँ जी। आपने प्रदेश अध्यक्ष से नहीं पूछा कि मेरे टिकट क्यों कटा आपने? सबसे पूछ लिया, लेकिन जब टिकट ही कट गया तो क्या करना है? किससे पूछा आपने? सारे अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन, मैंने अपना इस्तीफा आज सुबह भेज दिया था। तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री तो जब लड़ाई लड़ी गई मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो मुख्यमंत्री के साथ तो आप खड़े रहे, पुष्कर सिंह धामी जी के साथ, तो उन्होंने शेरों की तरह मुख्यमंत्री के साथ खड़ा हुआ, मुख्यमंत्री बेचारे मेरे साथ लगे रहे, लेकिन मुख्यमंत्री को अंततोगत्वा मुख्यमंत्री की साहब की नहीं चली और मेरा टिकट कट गया। तो कहीं अजय भट्ट जी ने तो टिकट नहीं कटवाया आपका? मैं किसी को आरोपित नहीं करूंगा, जिसको भी आरोपित करूंगा आने वाला समय बताएगा, प्रमाण सहित आरोपित करूंगा। हिंदुत्व के एजेंडे पर ही चुनाव लड़ेंगे ठुकराल जी? हाँ जी हाँ जी, हिंदुत्व के एजेंडे पर। कल को फोन आ गया पार्टी का कि ठुकराल जी बैठ जाओ मत लड़ो चुनाव, तो आप? ठुकराल बैठने वाला नहीं है, नहीं बैठने वाले, लड़ेंगे आप? बिल्कुल नहीं बैठूंगा। यस ठुकराल जी, आपने न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार ठुकराल, जिनका कहना यह है कि वो किसी भी हाल में चुनाव लड़ेंगे रुद्रपुर से, और रुद्रपुर को लेकर जिस तरह की बात कही गई, जिस तरह के आरोप लगाए गए, वो वाकई कई सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि राजकुमार ठुकराल का यह कहना है कि उनके खिलाफ एक माहौल तैयार किया गया, जो ऑडियो वायरल किए गए वो ऑडियो फर्जी थे, जिन्होंने वायरल किए वही टिकट के हकदार बन गए। अब आरोप और प्रत्यारोप के बीच में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे सहयोगी सीधा शाहिद मेरे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। शाहिद, राजकुमार ठुकराल लाइव जुड़े हुए थे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ, वो ये कह रहे हैं कि टिकट बेचा खरीदा गया, क्या माहौल है जल्दी से रुद्रपुर का बताइए शाहिद। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, कल रात से जो राजकुमार ठुकराल के जो विधायक थे उनका टिकट काटने के बाद जो काफी लोग हैं, विधायक राजकुमार ठुकराल जी के घर पे कल रात से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, विधायक राजकुमार ठुकराल हैं, उन्होंने निर्णय लिया है कि अब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। उनका आरोप है कि यहाँ पे जो जिलाध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो आईडियो, उनका आरोप है कि जिलाध्यक्ष के द्वारा आईडियो है उनकी वायरल की गई थी, उनकी छवि जो है धूमिल की गई थी, उसके बाद जो है उनका टिकट काटा गया है। चलिए शाहिद, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, तो शाहिद बता रहे थे कि रुद्रपुर के सियासी रण में इस वक्त मुकाबला दिलचस्प हो सकता है और त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि राजकुमार ठुकराल पिछले 2 बार से पार्टी के विधायक थे और लड़ाकू विधायकों में से एक माने जाते थे,
दो बड़ी खबरें बीजेपी के घर से अगर देखा जाए तो कुंवर परण सिंह चैंपियन हो या फिर राजकुमार ठुकराल, ये दो ऐसे चेहरे थे जो विवादित चेहरों के रूप में देखे जाते थे और राजकुमार ठुकराल का टिकट काट दिया गया, चैंपियन का टिकट काट दिया गया। अब ऐसे में रुद्रपुर का रण कौन जीतेगा, क्योंकि बड़े संगीन आरोप राजकुमार ठुकराल लगा रहे हैं और आने वाले वक्त में एक बड़ा खुलासा करने का दावा तक कर रहे हैं, यानी अभी पिक्चर बाकी है। रुद्रपुर का रण एक बार फिर से दिलचस्प होगा, भले ही तिलकराज बेहड़ किच्छा चले गए हों, लेकिन राजकुमार ठुकराल ने कहा कि जो उनके करीबी थे उन्हें ही टिकट थमा दिया गया। आरोप बेहद संगीन है। अब देखते हैं कि रुद्रपुर के रण में कौन बाजी मारेगा, क्या ठुकराल को बीजेपी मना लेगी या ठुकराल एक बार फिर से ताल ठोकेंगे निर्दलीय के रूप में रुद्रपुर के रण में। पिक्चर अभी बाकी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।